मार्केट हाँ, में कई बार हमारे सामने ग्रेट अपॉर्चुनिटीज होती हैं पता लगने के बावजूद भी हम उन्हें ग्रैब नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती तो आज के वीडियो में बात करेंगे हम एक एक ऐसे ही बिजनेस के ऊपर जो नहीं नहीं दो नहीं, बल्कि चार चार सनराइज सेक्टर्स में काम करता है एंड ये सेक्टर्स हैं डिफेंस एरोस्पेस ऑटो एंड ईवी कम्पोनेंट्स एंड रियल स्टेट तो आज डिस्कस की जाने वाली कंपनी इनमें सिर्फ ऑपरेट ही नहीं करती बल्कि इनमें से कुछ सेक्टर्स में लीडरशिप पोजिशन भी होल्ड करती है तो एज अ डिस्कलेमर ट्वेंटी ऑफ जुलाई के

उसके बाद हम कंपनी का बिजनेस एनालिसिस करेंगे जिसमें हम स्पेशली इस पॉइंट पर फोकस करेंगे कि कर वो किस वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है उनसे भी करेंगे, फाइनल में हम कंक्लूजन भी देंगे। तो फर्स्ट टाइम को बताना चाहता हूं कि मेरा नाम सुशील है मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूं इसलिए मेरे द्वारा की गई सारी की सारी स्टडी गलत भी साबित हो सकती है

उसके बाद जो एरोस्पेस का कॉम्पोडेंट मार्केट है ये है वो सेगमेंट जिसमें हमारी आज वाली कंपनी ऑपरेट करती है एंड ये सेगमेंट ग्लोबली टेन परसेंट के सी से ग्रो कर रहा है एंड ये सेगमेंट इंडिया में अप टू टू थाउजेंड ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट परसेंट के सी से ग्रो कर सकता है एंड एक्सपेक्टेड है कि आने वाले समय में कम्पोडेंट मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया वर्ल्ड वाइड थ्री परसेंट ऑफ मार्केट शेयर होल्ड कर सकता है एंड इस ग्रोथ के पीछे दो फैक्टर सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं जिसमें फर्स्ट तो चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी है एंड दूसरा है मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड सेकंड सेक्टर जिसमें ये कंपनी

जिनका ऑप्शंस हमारी इंडियन कंपनीज के पास अवेलेबल है साठ से आठ दिन पहले ही यानी कि ऑफ जुलाई को ही हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने थ्री हंड्रेड फोर्टी मिलिट्री इक्विपमेंट के इंपोर्ट पर बैन लगाया है एंड इससे पहले हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑलरेडी इक्विपमेंट्स पर बैन लगाकर उसका इंडिजिनाइजेशन कर चुकी है इस इंडस्ट्री में ग्रोथ का नेक्स्ट रीजन ये है कि इंडिया के पास वर्ल्ड की फोर्थ लार्जेस्ट मिलिट्री है एंड अगर हमारी इंडस्ट्री सिर्फ हमारी मिलिट्री की रिक्वायरमेंट्स को ही फुलफिल कर पाती है तो भी इस इंडस्ट्री के पास ग्रोथ करने के लिए मैसिव अपॉर्चुनिटी है एंड एज पर जेफरीज़ हमारा डिफेंस सेक्टर अप टू 2030 13 परसेंट के सी से ग्रो कर सकता है जो कि अमेजिंग ग्रोथ है उसका नेक्स्ट सेक्टर जिसमें ये कंपनी ऑपरेट करती है वो रियल स्टेट है एंड रियल स्टेट में भी ये कंपनी एस्पिरेशनल सेगमेंट प्रीमियम सेगमेंट एंड लग्जरी सेगमेंट में ऑपरेट करती है एंड ये जो सेगमेंट्स हैं ये मास सेगमेंट्स के कंपैरिजन में काफी फास्ट पेस पर ग्रो करेंगे एंड यहां पर हमने प्रीमियमाइजेशन की रेजिडेंशियल रियल स्टेट मार्केट है जो की स्टर्निंग ट्वेंटी की सी ग्रोथ बनती है तो नेक्स्ट सेक्टर जिसमें ये कंपनी काम करती है वो ऑटो एंड ईवी कम्पोनेट्स मैनुफेक्चरिंग का है तो एज पर दी कटेड बाई एंड मार्केट ऑटो कम्पोन सेक्टर इंडिया में प्रेजेंटली फिफ्टी परसेंट के सीजर से ग्रो कर रहा है जो कि काफी अच्छी ग्रोथ है मेरा जो इंडिया का इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपोनेंट मार्केट है ये 22.1 सी ए जी से ग्रो कर सकता है अप टू 2030 जो कि अमेजिंग ग्रोथ है तो इन सेक्टर में हमें यह देखने को मिला है कि जो मिनिमम ग्रोथ है वो 13 परसेंट की है एंड जो मैक्सिमम ग्रोथ है वो 30 परसेंट के अराउंड टच कर रही है तो ऐसे सेक्टर्स से में काम करने वाली कंपनी इजिली थर्टी या फोर्टी के सीएजीआर से भी ग्रो कर सकती है तो अब आ जाता है वीडियो का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पर हम कंपनी के बिजनेस को स्टडी करेंगे अलग अलग कंपनीज से कंपेयर करेंगे कंपनी एक्चुअल में कितनी वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है वो फाइंड आउट करेंगे एंड एक फाइनल कंक्लूजन की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे जिससे हमें यह पता चलेगा कि यह कंपनी एक्चुअल में कितना ग्रो कर सकती है तो कंपनी का नाम लिमिटेड है एंड कंपनी की मार्केट कैपीन थाउजेंड टू है इस मार्केट कैप को मैं एज ए स्मॉल कैप ही देखूंगा एंड इसके रीजन वीडियो में आगे, आगे आपके सामने रख दिए जाएंगे वही यार कंपनी का प्राइस टू अर्निंग देखेंगे तो आपको सेवन देखने को मिलेगा लेकिन एक्चुअल में जो प्राइस टू अर्निंग है वो अलग है एंड ऑफकोर्स वो भी हम वीडियो में फाइंड आउट कर लेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इस कंपनी में दो तरह की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है पहली ग्रोथ वो जो कि हाई ग्रोथ सेक्टर से इस कंपनी के पास आने वाली है जैसा कि ऑफकोर्स अभी हमने डिस्कस किया ही है एंड सेकंड ग्रोथ जो इस कंपनी में आएगी वो आएगी वैल्यू अनलॉकिंग से एंड वैल्यू अनलॉकिंग होगी पीई एक्सपेंशन से तो एक एक करके हम इन सारी चीजों को क्लियर करने वाले हैं तो इस कंपनी ने हाल ही में अपने लाइफ बिजनेस को डीमर्ज किया है जो की कंपनी का सबसे बड़ा सेगमेंट था एंड फाइनेंशियली ट्वेंटी फोर में इस सेगमेंट से कंपनी ने सेवन थाउजेंड करोड़ की रेवेन्यू जनरेट की थी तो इसलिए आपको जो प्राइस टू अर्निंग अभी देखने को मिल रहा है या फाइनेंशियली ईयर ट्वेंटी की जो रेवेन्यू देखने को मिल रही है ये चीजें अब बदल चुकी है

सिक्सटीन थाउजेंड करोड़ की रेवेन्यू आ सकती है आने वाले समय में तो सारे उन प्रोजेक्ट्स को मिलाकर जो कि अभी अंडर डेवलपमेंट है या जिनका डेवलपमेंट अभी स्टार्ट होना है उनसे कंपनी थर्टी टू थाउजेंड करोड़ की रेवेन्यू जनरेट कर सकती है आने वाले समय में एंड ये रेवेन्यू कितनी बड़ी है कि फाइनेंशियली ये ट्वेंटी फोर में कंपनी ने जो टोटल रेवेन्यू बनाई थी जिसमें कंपनी का लाइफ बिजनेस भी था उसके कंपेरिजन में थ्री टाइम्स के अराउंड है एंड रियल स्टेट बिजनेस से फाइनेंशियली ट्वेंटी फोर में कंपनी ने वन करोड़ की रेवेन्यू जनरेट की थी एंड जो पोटेंशियल रेवेन्यू है वो फाइनेंशियली ट्वेंटी फोर के रियल स्टेट की रेवेन्यू का कंपेरिजन में ट्वेंटी टाइम्स ज्यादा है एंड मैनेजमेंट ने यह अनाउंस भी कर दिया है कि इस बिजनेस को अगले एक साल में डीमर्ज करना है एंड एज अ सेपरेट एंटिटी लिस्ट करना है तो कंपनी का रियल स्टेट सेगमेंट कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर बैठा है आप यहाँ पर इमेजिन कर सकते हैं कंपनी जो एरोस्पेस सेक्टर में काम कर रही है डिफेंस सेक्टर में काम कर रही है एंड ऑटो एंड ईवी कंपोनेंट सेगमेंट में काम कर रही है ये सारे के सारे के के बिजनेस इंजीनियरिंग सेगमेंट अंडर आते हैं एंड इंजीनियरिंग सेगमेंट में कंपनी के कई सारे प्रोडक्ट्स इंडिया एंड वर्ल्ड में नंबर वन है जैसे कि स्टील फाइल्स ये प्रोडक्ट इंडिया में नंबर वन है विद्सटी परसेंट ऑफ मार्केट शेयर वेयर एज रिंग गियर्स जो है ये इंडिया में नंबर वन है विद्फ्टी फाइव परसेंट ऑफ मार्केट शेयर इन पैसेंजर व्हीकल्स एंड फोर्टी फाइव परसेंट ऑफ मार्केट शेयर इन कमर्शियल व्हीकल्स कमर्शल वेकल्स स्टील फाइल्स नाम का प्रोडक्ट है ये है ये ग्लोबली नंबर वन है एंड कंपनी वर्ल्ड वाइड ट्वेंटी परसेंट ऑफ मार्केट शेयर होल्ड करती है बेराज जो कंपनी का फ्लेक्स प्लेट्स करके प्रोडक्ट है इसकी कंपनी इंडिया में इकलौती मैन्युफैक्चरर है एंड 25 परसेंट ऑफ मार्केट शेयर होल्ड करती है कंपनी के मेजर प्रोडक्ट्स आपकी स्क्रीन पर है एंड इंजीनियरिंग सेगमेंट के कुछ और प्रोडक्ट्स भी आपकी स्क्रीन पर है

मार्केट शेयर होल्ड करते हैं उसके बाद कंपनी हाई प्रिसीजन एंड मिशन क्रिटिकल कंपोनेंट्स भी सप्लाई करती है ग्लोबल ओईएम्स को एंड टीयर वन सप्लायर्स को इन एरोस्पेस एंड डिफेंस इंडस्ट्री डिफेंस एरोस्पेस एंड ईवी कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग में अपनी रूट्स को और मजबूत करने के लिए कंपनी ने हाल ही में मैनी प्रिसीजन प्रोडक्ट लिमिटेड का एक्विजिशन भी किया है तो ये सेगमेंट्स कंपनी के लिए नए हैं जिनके एक्सपेंशन के लिए मैनेजमेंट काफी अग्रेसिव स्टेप्स ले रही है तो अब बारी आती है कंपनी का प्राइस टू अर्निंग निकालने की लेकिन हमारे पास जो प्राइस टू अर्निंग अवेलेबल है ये कंबाइंड बिजनेस का है जिसमें लाइफ का बिजनेस भी था तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो बचा हुआ बिजनेस है दैट इज रियल स्टेट एंड इंजीनियरिंग बिजनेस इन दोनों बिजनेस ने टोटल बिजनेस के कम्पेरिजन में कितनी रेवेन्यू बनाई है फाइनेंशियली ट्वेंटी फोर में टोटल रेवेन्यू तो नाइन थाउजेंड की रही थी लेकिन ये एक्चुअल रेवेन्यू नहीं है क्योंकि कुछ रेवेन्यू अदर इनकम में भी खाई जाती है तो टोटल रेवेन्यू के लिए हम वर्टिकल वाइज रेवेन्यू को देख लेते हैं तो लाइफस्टाइल बिजनेस से कंपनी ने रेवेन्यू बनाई थी सेवन थाउजेंड करोर रियल स्टेट बिजनेस से है करोड़ एंड इंजीनियरिंग बिजनेस से रेवेन्यू बनाई एटीन हंड्रेड करोड़ एंड इन तीनों के रेवेन्यूज को ऐड कर दिया जाए ये बनती है टेन थाउजेंड थ्री हंड्रेड नाइन्टी करोड़ लेकिन लाइफ स्टाइल का बिजनेस तो निकल चुका है अगर हम सिर्फ रियल स्टेट एंड इंजीनियरिंग बिजनेस जो कि अभी बचे हुए हैं इन दोनों की रेवेन्यू को कंबाइन करें तो राउंड फिगर में रेवेन्यू आई है थर्टी फोर हंड्रेड करोड़ की तो थर्टी फोर हंड्रेड करोड़ जो कि कंपनी के पास एग्जिस्टिंग बिजनेस से आए हैं इसे अगर हम टोटल रेवेन्यू से

है उनका शेयर जो था वो 37% था तो हम क्या कर लेते हैं कि 246 का 37% निकाल लेते हैं एंड वो निकल कर आता है 91.02 एंड प्राइस टू अर्निंग निकालने के लिए हमें क्या करना है जो स्टॉक प्राइस है एज ऑफ वीडियो रिकॉर्डिंग डेट वो है 1993 इसको डिवाइड करेंगे 91.02 से तो हम यहां पर टाइप कर लेते हैं 1993 डिवाइडेड बाय 91 तो हमारे पास निकल कर आता है 21.9 यानी कि 22 का प्राइस टू अर्निंग तो यहां से हमें यह पता चलता है कि रेमंड लिमिटेड के अंदर आज जो बिजनेस बचे हुए हैं दैट इज रियल स्टेट बिजनेस एंड इंजीनियरिंग बिजनेस ये 22 के प्राइस टू अर्निंग पर ट्रेड हो रहे हैं तो आप यहां पर वीडियो को पॉज करके इमेजिन कर सकते हैं कि कितना हाई ग्रोथ बिजनेस हमें किस वैल्युएशन पर मिल रहा है एंड उसका एक एस्टिमेट मैं आपको ऐसे देना चाहूंगा तो कंपनी जैसे की एस्पिरेशनल प्रीमियम एंड लग्जरी सेगमेंट में ऑपरेट करती है तो सेम सेगमेंट में जो कंपनी काम करती है वो डीएलएफ

फोर्ज जो है ये सेवेंटी फाइव के पी पर ट्रेड कर रहा है एंड इसी तरह का बिजनेस हमें रेमंड लिमिटेड के के अंदर पी पर मिल रहा है तो अगर कंक्लूजन की बात करें तो आज इस बिजनेस के अंदर मुझे तीन सेपरेट कंपनीज दिखाई दे रही है, जिसमें एक तो ऑफकोर्स रियल स्टेट है उसके बाद सेकंड कंपनी बनती है एरोस्पेस एंड डिफेंस बिजनेस की एंड थर्ड कंपनी बनती है ऑटो कंपोनेट विद ईवी एंड इंजीनियरिंग कंज्यूमेबल सेक्टर में ऑपरेट करने वाली कंपनी एंड ये तीनों फ्यूचर में डिमर्ज भी हो सकती है जिसमें

में नंबर है तो opinion, इन इन ओपिनियन ज को फ्यूचर में सेक्टर ग्रोथ का बेनिफिट भी मिल सकता है एंड जो है है के के पीई अराउंड इसका भी एक्सपेंशन हो सकता है। तो अगर आप चाहें खुद से अच्छे से स्टडी करके कुछ क्वांटिटीज प्रेजेंट लेवल पर भी कंसिडर कर सकते हैं तो वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगा है वीडियो को लाइक जरूर करें सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड अपनी फीडबैक को कमेंट सेक्शन में भी जरूर शेयर करें तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में टेक केयर